गॉडेस दुर्गा विद हर एट आर्म्स होल्ड्स एट वेपन्स। अब जैसे लॉजिकल लुक ये कैसे पॉसिबल है, आठ हाथ कैसे हो सकते हैं? वो आठ हाथ रिप्रेजेंटेशन है, उसके जरिए कुछ कहने की कोशिश हो रही है। द जेस्चर ऑफ दुर्गा फर्स्ट हैंड सिग्निफाइज ब्लेसिंग्स, अश्योरिंग द सीकर नॉट टू वरी। जो पहले हाथ में है दुर्गा के, वो ब्लेसिंग सिग्निफाई करता है द फर्स्ट हैंड, जो कि सीकर को ये अश्योरेंस देता है कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वन हैंड होल्ड्स अ लोटस सिंबलाइजिंग जॉय, क्योंकि ये सारा का सारा सिंबॉलिक है, ये मैसेज कन्वे कर रहा है, आइडिया कन्वे कर रहा है। तो एक हाथ में है लोटस कमल जो कि सिंबलाइज करता है जॉय, दूसरे हाथ में है, एक और हाथ में है कॉन्च। कॉन्च किसको कहते हैं? शंख को कहते हैं। और शंख क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज, ज्ञान। वन हैंड कैरीज अ ट्राइडेंट इंडिकेटिंग दैट द थ्री क्वालिटीज सत्व रजस एंड तमस, राइट? सत्य रज तम, सतो गुण रजो गुण तमो गुण। तो ये ट्राइडेंट इन तीनों गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड ऑन हर। Another hand carries a bow symbolizing focus. एक हाथ में है धनुष, और धनुष क्या सिंबलाइज करता है? फोकस, राइट? Which should be directed towards the self. Which should be directed towards the self. यानी फोकस को खुद की तरफ रखो, खुद के ऊपर फोकस रखो। इसीलिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, रिफ्लेक्शन। जीवन में बड़ा आवश्यक है ये। आप जब अपना जीवन जी रहे हैं तो कई बार हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं या उसमें डूब जाते हैं कि अपने जीवन पे ही देखने का मौका नहीं मिलता। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं जीवन में, थोड़े समय के लिए पॉज लीजिए और रिफ्लेक्ट करिए, व्हाट एम आई डूइंग, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, करवाया जा रहा है, ये सवाल थोड़ा पूछा करो। होता क्या है कि हम किसी काम में इतने ज्यादा डूब जाते हैं या बह जाते हैं, डूबना इज नॉट दैट यू नो गुड वर्ड ओवर हियर, बह इतने जाते हो कि पता ही नहीं लगता है किधर जा रहे हो, और जब कहीं जाकर ठोकर लगती है देन यू गेट टू रियलाइज दैट यस आई वाज यू नो फ्लोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेल्फ मीनिंग सेल्फ इंक्वायरी, तो वही खुद से सवाल पूछना, उसकी तरफ ये इशारा करता है वो सिंबलाइजिंग फोकस। दुर्गा सोर्ड इज द सिंबल ऑफ विजडम, जो उनका सोर्ड है वो विजडम का सिंबल है, एंड हर स्पीयर रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, राइट? तो ये सारे अलग अलग तरह के मानवीय गुणों का सिंबोलिज्म है उन आठ हाथ और उन हाथों में पकड़ी गई चीजों के द्वारा। विद दिस फोकस पावर द गॉडेस अज्यूम्स हर फियर्स फ्रॉम एस काली टू डिस्ट्रॉय डेमन्स। विद दिस फोकस पावर, ये बड़ी बहुत ही प्यारा सा शब्द है ये, फोकस्ड पावर। जिंदगी में इसी से चेंज आता है। आपके पास पावर है, शक्ति है, नॉलेज है, लेकिन वो फोकस नहीं है। जैसे आपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत इंटेलिजेंट है, बट दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल, उतने सक्सेसफुल नहीं है अपने जीवन में जितना होना चाहिए। बिकॉज पावर तो है लेकिन वो उसको चैनलाइज नहीं कर पाए, फोकस नहीं कर पाए। बड़ा प्यारा टर्म ये लगा, फोकस्ड पावर। सारा का सारा जो इम्पैक्ट है या चेंज है वो इसी से आता है, कि आप अपने पावर को, अपनी शक्तियों को कितना फोकस कर पा रहे हैं। द गॉडेस अज्यूम्स हर फियर्स फ्रॉम एस काली टू डिस्ट्रॉय डेमन्स, वही फिर काली का रूप भी ले लेती हैं और डेमन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। व्हेन शी ब्लेसेस शी इज नोन एज मंगला, और जब वो ब्लेस करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, तो उन्हीं के उस रूप को क्या कहा जाता है? मंगला। व्हेन शी क्रिएट्स एवरीथिंग फ्रॉम हरसेल्फ शी इज कुष्मांडा, जब वो हर एक चीज को क्रिएट करती है अपने में से ही, उसको क्या कहते हैं? कुष्मांडा। बाय गिविंग बर्थ टू कार्तिकेय शी इज स्कंद माता, आफ्टर स्लेइंग महिषासुर एंड कमिंग डाउन एट द गॉड्स प्रेयर्स शी इज कॉल्ड कात्यायनी। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग एक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, एंड आप इसको सिंपली एक इंसान के तौर पे देख सकते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी वेयर मल्टीपल कैप्स, वी प्ले डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रोल्स, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद जस्ट वन आइडेंटिटी। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं इस समय किस रोल में हूं और किस तरह का एक्शन मुझे करना है। तो इनके रोल के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम है, अलग अलग एक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम। तो यहां भी जब काम बदल रहा है अलग रूप में, तो फिर नाम भी बदल जा रहा है। द एक्सटर्नल ग्रोस फॉर्म ऑफ दुर्गा इज यूजुअली सीन इन द फॉर्म ऑफ अ मूर्ति एट अ टेंपल, हाउएवर द एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ दुर्गा आर डाइवर्स। तो जो एक्सटर्नल ग्रोस फॉर्म ऑफ दुर्गा है वो जनरली आप मूर्ति के फॉर्म में टेंपल में देखते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फॉर्म्स हैं दुर्गा के वो अलग अलग हैं। एवरी वुमन एम्बॉडीज दुर्गा, हर एक महिला अपने अंदर दुर्गा को एम्बॉडी करती है, उसका रूप है वो। एवरी गर्ल चाइल्ड इज दुर्गा, नॉलेज इज दुर्गा, साइंस इज दुर्गा, तंत्र इज दुर्गा। Wherever and whenever we experience sattvic energies, it is a form of Durga. कहीं पे भी अगर आप sattvic energies experience करते हैं तो वो दुर्गा का ही एक form है। वहीं पे अगर आप arts, dance, music and painting की बात करें, so are considered to be the rajasic forms of Durga's energy. सतरजतम की बात हुई तो ये rajasic form है, यानी जब आप कला की बात करते हैं।